प्रताप राव गुजर छत्रपति शिवाजी महाराज की सेना के एक योग्य वीर साहसी और चतुर सेनानायक थे। प्रताप राव ने अपने सैनिक जीवन का आरंभ शिवाजी की फौज में एक मामूली गुप्तचर के रूप में किया था। एक बार शिवाजी वेश बदलकर सीमा पार करने लगे तो प्रताप राव ने उन्हें ललकार कर रोक लिया। शिवाजी ने उसकी परीक्षा लेने के लिए भांति भांति के प्रलोभन दिए, परंतु प्रताप राव टस से मस नहीं हुआ। शिवाजी प्रताप राव की ईमानदारी और कर्तव्य परायणता से बेहद प्रसन्न हुए। अपने गुणों और शौर्य सेवाओं के फलस्वरूप प्रताप राव सफलता की सीढ़ी चढ़ता गया और शीघ्र ही राजगढ़ छावनी का सूबेदार बन गया। औरंगजेब ने जुलाई 1659 में शाइस्ता खां को आदेश दिया कि वो मराठों से उन क्षेत्रों को छीन ले जो उन्होंने बीजापुर से जीते हैं। शाइस्ता खान इसमें काफी हद तक सफल भी हुआ। शिवाजी महाराज ने प्रताप राव को अपने प्रदेश वापस जीतने की आज्ञा दी। प्रताप राव गुजर ने मुगल क्षेत्रों में एक सफल अभियान किया। वो अपनी घुड़सवार सेना के साथ मुगलों के अंदरूनी क्षेत्रों में घुस गया और दक्कन में मुगलों की राजधानी औरंगाबाद पर चढ़ गया। प्रताप राव ने मुगल सेनापति को युद्ध में हराकर उसका वध कर दिया। इस सैनिक अभियान से प्राप्त बेशुमार धन दौलत को लेकर प्रताप राव वापस घर लौट आया। प्रताप राव के इस सैन्य अभियान से शाइस्ता खान की मुहिम को एक बड़ा धक्का लगा। इस जीत से उत्साहित शिवाजी महाराज ने सीधे शाइस्ता खान पर हमला बोल दिया, लेकिन तीन उंगलियां गंवाने के बावजूद मुगलों ने सिंहगढ़ में मोर्चा जमा लिया। सिंहगढ़ की लड़ाई में प्रताप राव गुजर ने जिस बहादुरी और रणकौशल का परिचय दिया, शिवाजी उससे बहुत प्रसन्न हुए। शाइस्ता खान की नाकामी के बाद औरंगजेब ने मिर्जा राजा जय सिंह को विशाल सेना के साथ शिवाजी महाराज को सबक सिखाने भेजा। शिवाजी युद्ध की स्थिति का जायजा लेकर इस नतीजे पर पहुंचे कि जय सिंह को आमने सामने की लड़ाई में हराना संभव नहीं है, अतः उन्होंने प्रताप राव गुजर को जय सिंह का वध करने का कार्य सौंपा। एक योजना के अंतर्गत प्रताप राव जय सिंह के साथ मिल गए और एक रात मौका पाकर उन्होंने जय सिंह को उसके शिविर में मारने का जोरदार प्रयास किया, परंतु अंगरक्षकों के चौकन्ना होने के कारण जय सिंह बच गया। प्रताप राव गुजर शत्रुओं के हाथ नहीं पड़ा और वो शत्रु शिविर से जान बचाकर निकलने में सफल रहा।